तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि GFG का है। प्रॉब्लम दैट इज प्रिंट डायगोनली गिवन अ एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका नाम ए है। रिटर्न ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एंटी डायगोनल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो भी एंटी डायगोनल एलिमेंट होंगे टॉप से बॉटम को लेना है, उसे हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे ही एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तो इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एन क्रॉस एन में होना चाहिए स्पेस भी और टाइम भी। ठीक है, 10^3 यानी 6। ठीक है, एन क्रॉस एन में चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, जैसे देखो एंटी डायगोनल का क्या मतलब, हम टॉप से स्टार्ट करेंगे, टॉप से बट टॉप टाइम डायगोनल जनरली ऐसे हम मानते हैं, एंटी डायगोनल उल्टा। तो यहाँ से पहला डायगोनल क्या होगा इस तरह से, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा देखोगे तो इस तरह से बनेगा टॉप से बॉटम, चौथा ये बनेगा और ये होगा पांचवा। तो इस तरह से देखो पांच बन गए इसमें। तो हमें प्रिंट कैसे करना है, टॉप से आ करके। टॉप पे क्या है, देखो टॉप इसमें तो एक ही एलिमेंट है तो एक आउटपुट हो गया। यहाँ से अगर देखेंगे ये एक भी डायगोनल है, टॉप से आएंगे, टॉप में पहले 2 मिलेगा फिर 4 मिलेगा, फिर हम थर्ड डायगोनल में आएंगे पहले 3 मिलेगा फिर उसके बाद 5 मिलेगा हमें एंड देन 7 मिलेगा। फिर हम फिर से इस वाले डायगोनल फोर्थ डायगोनल पे, फोर्थ है ये 6 8। इस तरह से सारे प्रिंट करने और हमें आउटपुट में देना है। देखो इसी तरह से दिया हुआ है कि पहले ये 1 आएगा फिर 2 4 आएगा फिर उसके बाद 3 5 ये डायगोनल फिर ये डायगोनल। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात। तो इसमें सिंपल अप्रोच क्या आएगा भैया, ब्रूट फोर्स लगा देते हैं कि पहले कितने डायगोनल पॉसिबल है। देखो गिवन एन के लिए, ये इसको मैं कर देता हूँ, ये बेसिकली बता रहा है कि कितने, ये रो है, रो का रिप्रेजेंट है कॉलम। देखो कितने डायगोनल आएंगे, टोटल डायगोनल कितने निकलते हैं, एन क्रॉस एन माइनस वन, इतने टोटल डायगोनल होते हैं अगर एन साइज का मैट्रिक्स है। तो कैसे भैया, जैसे इसमें देखो कितने डायगोनल है, एक दूसरा डायगोनल ये, तीसरा डायगोनल ये, चौथा डायगोनल ये, पाँचवा डायगोनल, सॉरी एन क्रॉस एन ही, इधर प्लस आता है एन प्लस एन यानी 2n आ जाएगा। ऑब्जर्व कर सकते हो एग्जाम्पल्स लेकर के, 2n माइनस वन इतने टोटल डायगोनल होंगे। जैसे इसमें n की वैल्यू क्या है, 3 है ना, तो 3 रखो तो 6 माइनस वन यानी टोटल 5 डायगोनल आएंगे। देखो फर्स्ट डायगोनल ये होगा, ये वाला फर्स्ट होगा, फिर सेकेंड होगा, दिस इज थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो देखो ऑब्जर्व क्या करोगे कि इसमें जो ये वैल्यू है यानी इसको मैं लेट सपोज i मानता हूँ, तो इस पूरे डायगोनल में पहला डायगोनल में क्या आएगा, इनका सम हमेशा वही आएगा। जैसे सेकंड डायगोनल है, ये सेकंड डायगोनल, तो इस केस में हम एक i लेंगे वेरिएबल, क्योंकि पहले में 0 था अब 1 हो जाएगा। अब जो इनमें जितने भी एलिमेंट आएंगे उनका सम देखो 1 आएगा, समझ रहे हो, ये थर्ड डायगोनल है, थर्ड डायगोनल। लेकिन इंडेक्स में देखा जाए तो 2 आएगा ना, पहले इंडेक्स 0 होता है, 1 2, देखो इनका सम हमेशा 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। ये कौन सा डायगोनल, फोर्थ डायगोनल, इंडेक्स वाइज देखेंगे तो क्योंकि 0 वाइज होता है थर्ड, तो देखो 3 आएगा इनका सम, 3। लास्ट में क्या आएगा, फिफ्थ डायगोनल, लेकिन इंडेक्स वाइज 4 होगा, इनका सम देखो 4 आएगा। तो एक सिंपल है कि पहले मैं एक फोर लूप चलाओ आई के लिए, आई क्या बताए कौन सा डायगोनल पे है, ठीक है, और एक फोर लूप चलाओ रो के लिए कॉलम के लिए, देखो कैसे एक वेक्टर बनाया आंसर, आंसर एक आउटर फोर लूप क्या था, कितने डायगोनल्स है, तो वो उसके लिए एन कितना आएगा, 2n तक चलेगा ना, 2n माइनस 1, टोटल इतने ही डायगोनल होगी। जैसे देखो इसमें n कितना है, 2 है, यानी इसमें टोटल कितने डायगोनल होंगे, 2 क्रॉस 2 यानी 4 माइनस 1, टोटल 3 डायगोनल होंगे। देखो पहला 1 वाला डायगोनल, दूसरा ये 2,3 और ये तीसरा 4 वाला, ठीक है, इसलिए पहला क्या चलेगा डायगोनल के लिए, 4 डायगोनल एलिमेंट।
अब एक रो कॉलम के लिए चलाएंगे, इंटीजर आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन, ये तो एन तक चलेगा, रो कॉलम तो एन तक ही है। ये किसके लिए है, फोर रो एलिमेंट। और एक फॉर लूप हम चलाएंगे इंटीजर जे इक्वल टू 0 से जे भी एन से छोटा होना चाहिए, जे प्लस प्लस। तो ये हो गया हमारे पास कमेंट करें तो फोर कॉलम एलिमेंट। फिर हम क्या चेक कर रहे थे, देखो अगर मैं जीरो वाले पे खड़ा हूँ, ये डायगनल जीरो होगा, ठीक है, जीरो पे खड़ा हो तो इन आई जे का सम अगर इसी के बराबर आ जाए, देखो इनका सम जीरो है तो ये भी जीरो आएगा। जैसे मैं फर्स्ट वाले डायगनल पे हूँ, फर्स्ट डायगनल पे इन दोनों का सम क्या आएगा, अगर आ रहा है क्या वन जो इसके बराबर है, तो हम इसको क्या करेंगे आंसर में डालते जाएंगे। तो एफ आई प्लस जे इक्वल इक्वल टू, ओके मैंने ये दो आई ले लिया, तो इसको के मान लेता हूँ, रुको ये के मान लो, के मान लूंगा ना, के प्लस प्लस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जे प्लस के, जे प्लस के अगर बड़ा इक्वल है बाहर वाले आई के, बाहर वाला आई था ना डायगनल के लिए, और रो और कॉलम का सम ये होना चाहिए, तो सिंपली हम क्या कर देंगे आंसर में पुश कर देंगे, पुश बैक ए ऑफ जे, ए ऑफ सॉरी पहले के आएगा, ए ऑफ के जे, और लास्ट में सिंपली रिटर्न कर देंगे आंसर, तो ये भी चल जाएगा। तो ये क्योंकि ब्रूट फोर्स है, पहला देखो एन एन और एन, तो एन की क्यूब में चल जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी, हमें इसे ऑप्टिमाइज करना होगा एन स्क्वायर में, ठीक है। तो अब वो देखते हैं कैसे करेंगे, यानी ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो एक इनमें से कोई एक लूप को हटाना होगा, है ना, देखो कैसे सोचेंगे उसके लिए, ठीक है। तो एक बार डायगनल मार्क करते हैं फिर से, किस पेन से करें, इससे करके देखते हैं। तो पहला ये डायगनल होगा, दूसरा डायगनल ये होगा, ये तीसरा डायगनल, ठीक है। तो इसको दो हाफ में हम प्रिंट करेंगे, तो उससे क्या होगा, इजी होगा, सोचो कैसे। अब देखो इसमें रिलेशन निकालो कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको देखो ध्यान से, इसमें क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आउटर फोर लूप एक तो चलाएंगे हम, क्या फोर मान लो आई इनिशियली जीरो से एन तक, जो इसका साइज है, इस केस में क्या आएगा, जीरो से एन तक तो जाता नहीं, एन माइनस वन तक जाएगा, टू तक, ठीक है। अब रिलेशन ढूंढो कैसे निकालेंगे, तो जब मैं जीरो पे होगा, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। देखो जब यहाँ आई की वैल्यू जीरो होगा, यानी ये फर्स्ट यहाँ पे आएंगे, देखो रो और कॉलम में क्या रिलेशन है, रो भी जीरो है और कॉलम भी जीरो है, कॉलम भी जीरो है, ठीक है। तो ये तो पहला है, इसे आंसर में तो डाल देंगे वन आ गया। अब हम जब अब क्या होगा, यहाँ से आई प्लस प्लस होगा, तो आई यानी फर्स्ट, जब हम फर्स्ट पे आ रही तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्योंकि तो इसी से मैं कोड कर दूंगा इसे। रो की वैल्यू इनिशियली स्टार्ट कहाँ से हुई, जीरो से, यानी रो फिर से जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो से। और कॉलम कहाँ से स्टार्ट हुआ, वन से, कॉलम स्टार्ट हुआ वन से, ठीक है। तो ये एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, यानी टू प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, देखो अगर मैं नीचे जा रहा हूँ, यहाँ से ऐसे चला गया, तो मैंने क्या किया, रो में एक इंक्रीमेंट कर दिया, दिख रहा है, जीरो से वन हो गया, और कॉलम में एक डिक्रीमेंट कर दिया, समझ रहे हो, यानी मैंने अब क्या किया, रो को एक प्लस किया, कॉलम को एक माइनस किया, यानी जीरो हो गया। फिर जो एलिमेंट आया यानी फोर आया, उसे प्रिंट कर दिया, समझ रहे हो। फिर मैं फर्दर और जाऊंगा आगे, तो अगर मान लो मैं अभी भी प्लस करता इसका, रो को जीरो कर देता, कॉलम को माइनस वन, तो ये कॉलम माइनस वन आ गया, तो आउट ऑफ बाउंड चला गया, इसलिए वो कहेगा कि अब नहीं प्रिंट होना। तो इसलिए देखो इसमें दो एलिमेंट प्रिंट हुआ। एक बारी और समझो, अब देखो आई की वैल्यू यहाँ से होके टू पे चली जाएगी, है ना, पहले जीरो था फिर वन था, ये टू आ गया। टू के लिए देखो रो स्टार्ट कहाँ से हुआ, रो अभी भी देखो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जर्व करोगे ये रहा रो जीरो। अच्छा कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉलम भैया
टू से स्टार्ट हो रहा है। तो एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये आई जीरो था तो जीरो से स्टार्ट हुआ और फिर डिक्रीज हुआ, आई वन था, देखो वन, एक मिनट से हटाओ, आई वन था तो ये देखो कॉलम भी वन से स्टार्ट हो रहा है फिर डिक्रीज होता जा रहा है, आई टू है तो कॉलम टू से स्टार्ट हुआ, तो टू से, अब देखो टू क्या होगा, 0.2 पे हम जाएंगे, पहले 0.2 पे क्या पड़ा हुआ है, थ्री, थ्री को आंसर में डाल दिया, फिर रो को आगे बढ़ाओ, कॉलम को एक कम करो, देखो 1.1 मिला ना हमें, समझ रहे हो, तो 1.1 को हमने प्रिंट कर दिया, फिर से रो बढ़ाओ टू आ जाएगा और कॉलम क्या आ जाएगा, जीरो, 2.0 प्रिंट हो जाएगा, सेवन, अगेन अगर हम बढ़ाते हैं थ्री और ये हो जाएगा -1, देखो अब बाहर आ गया। तो यानी एक चीज़ समझ आ गया भैया कि इस पूरे पहले हाफ को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है, तो इसे हटाते हैं, तो क्या हो गया, अरे यार हाँ, तो हमने कहा एक वेक्टर बनाएंगे फिर से आंसर नाम का, आंसर इंटीजर होगा क्या, ठीक है, और फिर हम क्या प्रिंट करेंगे, अपर हाफ, अपर कमेंट कर दे रहा हूँ, अपर हाफ, उसके लिए मैंने क्या कहा था, एक बाहर का लूप चलेगा आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है, फिर हम क्या कर रहे थे, देखो ध्यान से, अगर ये जीरो है आई की वैल्यू तो रो और कॉलम उसी से स्टार्ट हुआ, अगर ये वन है तो रो तो अभी भी देखो जीरो ही स्टार्ट हो रहा है लेकिन कॉलम की वैल्यू जो आई है वही हो रहा है, ध्यान से देखो, हम टू पे जाएंगे तो ये रो अभी भी जीरो है, ये टू आ गया, अच्छा इसके बाद भी तो जा सकते थे थ्री पे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो साइज से बाहर चला जाएगा, क्योंकि एन इक्वल टू थ्री है तो मैक्सिमम हम एन माइनस टू तक जाते हैं, ठीक है, तो हमने कहा एक इंटीजर रो लेंगे जो स्टार्ट हमेशा जीरो से करेगा, एक कॉलम लेंगे जो स्टार्ट कहाँ से करेगा, जो हमारा ओरिजिनल आई अभी चल रहा है यानी आई से आई तक, और फिर हम एक ने वाइल लूप चला दिया, वाइल, अब वाइल में कैसे चेक कर रहे हैं, देखो रो जब तक जो रो कॉलम पॉजिटिव है, देखो -1 आया तो हम बाहर आ गए, -1 आया तो हम बाहर आ गए, यानी जब तक कॉलम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, क्या करना है, आंसर में पुश करना है, आंसर डॉट पुश बैक ए ऑफ रो एंड कॉलम, फिर क्या कर रहे थे, रो को आगे बढ़ा रहे थे, रो प्लस प्लस और कॉलम माइनस माइनस, तो ये तो पहला हाफ हमें प्रिंट करके दे देगा, समझ रहे हो, ठीक है, अगर इसे रिटर्न करके देखोगे ना तो ये देखो फर्स्ट हाफ आ गया ना 1 2 3, फर्स्ट हाफ में क्या होगा, ये मिडल तक का प्रिंट हो जाएगा ना, फर्स्ट ये है ये दोनों, पहले 1 हुआ फिर 2 3 हो जाएगा फिर लास्ट वाला ये बचेगा, अब इसके लिए भी देखो सेम ऑब्जर्वेशन करेंगे, सेकेंड हाफ में क्या आएगा, ये होगा एक और ये होगा एक, अगर इसे ट्राइंगल के फॉर्म में देखा जाए तो ये नीचे वाला छोटा सा ट्राइंगल हो जाएगा, ये इस तरह से, इसे भी सेम तरीके से देखो, इनिशियली रो देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ, रो किससे स्टार्ट है, रो इक्वल टू 1 से है, और कॉलम देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉलम अभी भी किससे जा रहा है, एन माइनस वन, ठीक है, और फिर उसके बाद हम वही कर रहे, देखो रो में एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं और कॉलम में एक डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो देखो रो क्या है, इनिशियली रो इसमें है 1 और कॉलम है 2, जब तक वैलिड होगा तब तक हम चेक करेंगे, वैलिड का क्या मतलब है, देखो अभी क्या 1.2 एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्स में, हाँ करता है भैया, 6 6 पे खड़े, 6 को प्रिंट कर दो, ठीक है, फिर रो को आगे बढ़ाओ 2 हो जाएगा, कॉलम को बढ़ाओ घटाओ तो ये 1 हो गया, क्या 2.1 एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है भैया, वो है 8, ठीक है, अच्छा सही है, फिर रो को एक आगे बढ़ाओ 3, रो को कॉलम को एक कम करो, क्या 3.0 एग्जिस्ट करता है, नहीं भैया, क्यों, क्योंकि ये देखो ये साइज -1 के बराबर हो गया, साइज के बराबर नहीं हो सकता कभी भी, अगर एन साइज का है तो रो मैक्सिमम कितने जाता है, एन माइनस वन, बस इसमें भी सेम कोड कर देंगे,
तो यहाँ देखो वन से स्टार्ट है, ठीक है, समझ रहे हो? तो हम यहाँ करेंगे लोअर हाफ पे फॉर लूप चलाएंगे आई इक्वल टू वन से, समझ आ रहा है ना? वन से क्यों करा? देखो पहले वन से स्टार्ट हुआ, ये वन है फर्स्ट, लोअर हाफ के लिए ये फर्स्ट होगा ना, फर्स्ट डायगनल, सेकंड डायगनल ये होगा। तो देखो रो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड से, और कॉलम तो हमेशा एन माइनस वन के लिए लास्ट से ही स्टार्ट हो रहा है, लास्ट से होकर के घटता जा रहा है। आई होप कि क्लियर होगा। आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ओके प्लस प्लस, फिर हमने क्या कहा कि एक इंटीजर लेंगे रो, इनिशियली वन से स्टार्ट है, कॉलम एन माइनस वन से स्टार्ट है, लूप कहाँ तक चलाएंगे? अब इस बारी देखो कंडीशन में रो की कंडीशन आएगी। देखो रो टू, पहले क्या हुआ था, वन कॉमा टू था रो, फिर ये इसमें प्लस होगा रो में तो टू हो जाएगा, कॉलम में घटेगा टू कॉमा वन, फिर रो में फिर प्लस होगा थ्री और कॉलम हो जाएगा जीरो। यानी ये अगर साइज के से छोटा है तब तक चलाओ, रो लेस देन एन है तभी चलाओ भाई। चलाने में सिंपल क्या करते हैं, आंसर में पुश करते हैं, पुश बैक ए ऑफ रो कॉमा कॉलम, रो को आगे बढ़ाओ और कॉलम को पीछे ले आओ, ठीक है? तो आई होप कि क्लियर होगा इसमें क्या कंसेप्ट यूज हुआ है। चल गया, ओके चलो। ठीक है, अगर इसकी टाइम कंप्लीशन देखो, एक फोर लूप ये चलाया हमने, और ये वाइल लूप कितनी बार चलेगा, वर्स्ट केस में ये एन टाइम चलेगा। तो ये देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल अपर हाफ निकालने की एन स्क्वायर हो गया, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन स्क्वायर हो गया, तो दोनों ऐड होंगे क्योंकि अलग अलग हम कर रहे हैं ना। तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, टू एन स्क्वायर, और टू तो हम इग्नोर कर देंगे तो एन स्क्वायर में हमारा आ गया। स्पेस हमने ऑर्डर ऑफ एन ही लिया ज़्यादा देखा जाए तो, क्योंकि हमने सिर्फ आंसर में स्टोर कराया है। तो इसके ये अप्रोच था, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इससे और भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसी पैटर्न पे। ब्लीट कोड पे भी एक डायगनल वाला प्रॉब्लम, उसे भी ट्राई कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा उल्टा दे रखा है प्रिंट करने के लिए। ओके ये तो गलत आ गया भाई, ये जल्दी कर लो, जो करना है तब तक कर, लेट्स सी कि कहाँ पे गलती हो गया। हाँ यहाँ देखो यहाँ गलती है, ये वन से थोड़ी स्टार्ट है। वो अगर इसको हटाओ भाई, खिचड़ी पका दिया तुमने। देखो रो कहाँ से स्टार्ट है, अगर मैं फर्स्ट वाले पे आई हूँ, इस पहले को प्रिंट करना चाहता हूँ, ये पहला वाला है ना, तो रो वहाँ से स्टार्ट है। अगर मैं सेकंड को प्रिंट करना है तो रो वहाँ से स्टार्ट है, यानी जो हमारा आई है वहाँ से स्टार्ट है। अब चलाओ भाई, तुम्हारी वैसे 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। चल चल, हाँ चल गया, सबमिट कर दे फटाक से, ठीक है, करेक्ट आ गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर इससे थोड़ी सी भी हेल्प होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू।